गुजरात चुनाव के बीच यूथ कांग्रेस ने मोदी की तस्वीर का ट्वीट पर मजाक बनाया। बीजेपी ने कांग्रेस और राहुल को गरीब विरोधी और वर्ग भेदी कहा। कांग्रेस ने ट्वीट से पल्ला झाड़ लिया है। संसद के शीतकालीन सत्र में देरी पर कांग्रेस और सरकार में ठनी। कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला, कहा पोल खुलने के डर से चर्चा से भाग रही है बीजेपी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर ने पूछा, राहुल गांधी कितने समय रहते हैं संसद में। शिवसेना का मुखपत्र सामना के जरिए बीजेपी पर हमला, जनता को बताया भगवान, कहा आज भगवान भी भिखारी हो गए। बीजेपी से पूछा, अच्छे का श्रेय लेते हो तो बुरे की जिम्मेदारी कौन लेगा। तीन तलाक पर बैन लगाने के लिए कड़ा कानून लाने की तैयारी में मोदी सरकार। मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक से आजादी दिलाने के लिए सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में लाएगी विधेयक। अयोध्या विवाद पर अखाड़ा परिषद और शिया वक्फ बोर्ड ने एक साथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कट्टरपंथी लोग नहीं चाहते इसका समाधान, पाकिस्तान की फंडिंग के कारण नहीं निकल पा रहा समाधान। राम मंदिर को लेकर अखाड़ा परिषद ने अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की का बड़ा बयान, बोले अगर सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दिया तो ठीक, नहीं तो राज्य और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, हम कानून बना के राम मंदिर बना लेंगे। गुजरात के भावनगर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जीतू वाघाणी के नामांकन में पहुंचे अमित शाह, बोले गुजरात की जनता को मोदी पर भरोसा, पूर्ण बहुमत से बनेगी सरकार। गुजरात में पहले चरण के नामांकन के आखिरी दिन कांग्रेस ने दो उम्मीदवारों के नाम बदले। वारछा सीट पर प्रफुल्ल तोगड़िया को हटाकर धीरू गजेरा को दिया टिकट। कांग्रेस विधानसभा सीट पर नीलेश कुंभाणी की जगह अशोक जीरावाला को उम्मीदवार बनाया। गुजरात में टूटी पाटीदार नेता हार्दिक पटेल की टीम, ट्विटर पर वीडियो पोस्ट करके पाटीदारों से पूछा कांग्रेस का साथ देने में क्या दिक्कत। पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने ट्वीट करके शायराना अंदाज में विरोधियों पर बोला हमला, लिखा हम युवा हैं, रवानी बदल देंगे, सत्ता के जुल्म की कहानी बदल देंगे, निकले हैं न्याय के पथ पर, जो रोकेगा उसकी मनमानी बदल देंगे। पाटीदार गुट में टूट की खबर, सूत्रों के मुताबिक अब कुछ 4-5 भरोसेमंद लोग ही हार्दिक के साथ, बाकी लोग कभी भी खेमा बदल सकते हैं। बोताद से कांग्रेस ने भी हार्दिक के चाहते उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में भी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया, तीनों आतंकी पाकिस्तान के। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एनकाउंटर में 1 जवान शहीद, 3 घायल। आतंकियों के खिलाफ सेना और पुलिस का अभियान जारी, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 21 दिन में मार गिराया 21 आतंकी, इस साल जनवरी से अब तक 153 आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के ऑपरेशन से घबराए आतंकी आकाओं ने अपने रिश्तेदारों को अंडरग्राउंड रहने को कहा, पिछले ही हफ्ते मुठभेड़ में मारा गया था लखवी का भतीजा। दिल्ली के द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन के पास पंजाब पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ से सनसनी, दोनों ओर से जमकर हुई गोलीबारी, वांटेड अपराधी फरार, उसके 5 साथी गिरफ्तार। कोलकाता रेलवे स्टेशन से एसटीएफ ने अलकायदा के 3 संदिग्ध आतंकियों को किया गिरफ्तार, इनमें 2 बांग्लादेश के बताए जा रहे हैं जो बिना पासपोर्ट के पिछले 1 साल से यहां रह रहे थे, जबकि तीसरा संदिग्ध नॉर्थ 24 परगना का है, ये तीनों कोलकाता में हथियार खरीदने आए थे। पटना में बिहार बीजेपी अध्यक्ष नित्यानंद रॉय ने विवादित बयान दिया, कहा काट दिए जाएंगे पीएम मोदी की तरफ उठने वाले हाथ, बाद में दी सफाई, खेद जताते हुए अपने शब्दों को वापस लिया। नित्यानंद राय के बयान की आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने की निंदा, कहा कैसे कैसे लोग राजनीति में घुसाए हैं, पूछा होता क्या है स्वाभिमान। एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला की जबान काटने वाले को 21 लाख का इनाम देने की घोषणा की है। फ्रंट के मुताबिक फारूक ने देश का अपमान किया है। अब्दुल्ला ने कुछ दिनों पहले कहा था पाकिस्तान भारत को जम्मू कश्मीर के अपने कब्जे वाले हिस्से पर नियंत्रण नहीं करने देगा। पटना में आरजेडी के राष्ट्रीय परिषद की बैठक में लालू को फिर से चुना गया पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। बैठक में फैसला, अगले चुनाव में तेजस्वी होंगे आरजेडी सीएम उम्मीदवार। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार पर बड़ा हमला, बोले नीतीश चीफ मिनिस्टर नहीं चीट मिनिस्टर, बीजेपी के सामने नतमस्तक, पूछा बिहार में हो रहे घोटालों को लेकर नीतीश कुमार पर जांच क्यों नहीं हो रही। रॉबर्ट वाड्रा ने विजय माल्या के बयान पर विरोध जताया, माल्या ने कहा था मैं रॉबर्ट वाड्रा और वीरभद्र की तरह राजनीति का शिकार। बिहार सरकार का नया फरमान, टीचर्स को दी नई जिम्मेदारी, अब शिक्षक सुबह शाम खुले में शौच को लेकर करेंगे जागरूक अभियान की करनी होगी फोटोग्राफी। इलाहाबाद में मेयर का चुनाव लड़ रहे सरवर हुसैन नाम के एक निर्दलीय उम्मीदवार की दिल का दौरा पड़ने से निधन, परिवार के मुताबिक पूरे दिन प्रचार करने की वजह से उनकी तबीयत खराब चल रही थी। यहां निकाय चुनाव के लिए 26 नवंबर को वोटिंग होनी है।
बीजेपी नेता सूरजपाल अम्मू के खिलाफ गुरुग्राम के सेक्टर 29 थाने में मामला दर्ज। दीपिका पादुकोण के सिर काटने पर 10 करोड़ का इनाम देने की घोषणा की थी। फिल्म पद्मावती के समर्थन में उतरे सेंसर बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष प्रहलाद निलानी का सेंसर बोर्ड करेगा फैसला, किसी को दिक्कत हो तो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। महाभारत में कृष्ण का रोल निभाने वाले और लोकसभा सांसद रहे नीतीश भारद्वाज ने पद्मावती का समर्थन किया, कहा बैन न करें फिल्म। फिल्म पद्मावती पर विरोध के बीच राजस्थान के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया का बयान, जब तक कोई एक्सपर्ट फिल्म में विवाद की बात से इनकार नहीं करता तब तक बैन रहेगा जारी। ममता बनर्जी ने आधार कार्ड पर फिर उठाए सवाल, कहा 210 सरकारी वेबसाइट में दर्ज होती है जानकारी, देश समाज और व्यक्तिगत आजादी के लिए बताया खतरनाक। सुप्रीम कोर्ट में रोहिंग्या मामले पर सुनवाई 5 दिसंबर के लिए टली, कोर्ट ने कहा मामले में विस्तृत सुनवाई जरूरी, कानून के दायरे में हो बहस, भावनात्मक दलीलें न दी जाए। दिल्ली के करोल बाग में 108 फीट ऊंची हनुमान की प्रतिमा को एयरलिफ्ट करने का हाईकोर्ट ने दिया सुझाव, याचिका में मंदिर प्रशासन पर लगाया था अतिक्रमण का आरोप, जाम लगने की बात कही। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हिंदू महासभा भवन में रखी महात्मा गांधी के हत्यारे गोडसे की मूर्ति को जिला प्रशासन ने हटाया, 3 लोग हिरासत में लिए गए, 5 दिन पहले जिला प्रशासन ने मूर्ति हटाने के लिए दिया था अल्टीमेटम। बेंगलुरु में भारतीय सेना के जवानों ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, 58 जवान 1.5 किलोमीटर तक एक बाइक पर सवार होकर करतब दिखाते नजर आए। मुंबई में एक नौजवान ने 6 सीटर वाला विमान तैयार किया है, डीजीसीए ने दिया रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र, युवक अमोल यादव को उम्मीद सरकार की मदद से अपने हाथों से बने विमान को देश में उड़ा सकेगा। दिल्ली में सब्जी के दाम में बढ़ोतरी, टमाटर 80, प्याज 60 से 70 रुपए किलो मिल रहा है, व्यापारियों के मुताबिक बारिश में खराब हुई फसल की वजह से बड़े दाम। जीएसटी की दरें घटाने की वजह से डाबर के कई प्रोडक्ट सस्ते हुए, कंपनी ने शैंपू, एयर फ्रेशनर, स्किन केयर जैसे आइटम्स के दाम 9% तक घटाए, जीएसटी दर 28% से घटकर 18% की गई थी। गुरमीत राम रहीम का करीबी और पंचकुला हिंसा का आरोपी पवन हिंसा को पंचकुला सीजेएम कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा, पुलिस ने पवन को कल शाम 5 बजे के आसपास गिरफ्तार किया था। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में पत्रकार सुदीप दत्ता भौमिक की गोली मारकर हत्या, त्रिपुरा राइफल्स के एक जवान ने कहा सुनी के बाद चलाई गोली, 2 महीने के अंदर त्रिपुरा में ये दूसरे पत्रकार की हत्या। एमबीए छात्रा से बलात्कार का आरोपी राजस्थान का पूर्व आईएएस बीबी मोहंती गिरफ्तार, 2014 में 22 साल की लड़की से रेप करने का है आरोप, वारदात के बाद से फरार था आरोपी। महाराष्ट्र के बहुचर्चित कोपर्डी सामूहिक दुष्कर्म कांड में विशेष अदालत कल दोषियों को सजा का ऐलान करेगी, इस केस में 3 अभियुक्तों को दोषी करार दिया गया था, पिछले साल जुलाई में कोपर्डी गांव में 15 वर्षीय लड़की को गैंगरेप करके मार दिया गया था। गुरुग्राम के प्रद्युमन हत्याकांड में आरोपी बस कंडक्टर अशोक को जमानत मिली, जिला अदालत ने 50,000 के मुचलके पर दी जमानत, प्रद्युमन की हत्या में गुरुग्राम पुलिस ने कंडक्टर अशोक को बनाया था मुख्य आरोपी, प्रद्युमन की मां ने कहा था हमें न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा। टेनिस स्टार मारिया शारापोवा के खिलाफ दिल्ली के सुभाष प्लेस थाने में धोखाधड़ी का केस दर्ज, गुरुग्राम की रहने वाली भावना अग्रवाल ने बैलेट बाय शारापोवा नाम के रिहायशी प्रोजेक्ट में फ्लैट के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।